अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगी चना भटूरा किस तरह से बनाते हैं। उसके लिए आप स्टेप बाय स्टेप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले हम भटूरा बनाएंगे। उसके लिए आपको चाहिए होगा वाटर एज रिक्वायर्ड, 2 कप्स ऑफ ऑल पर्पज फ्लोर, 4 टेबल स्पून सेमोलिना, 3 टीस्पून योगर्ट, 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर एंड 2 पिंच ऑफ सोडा बाइकार्बोनेट। सबसे पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स कर लेंगे। मैदे में ये सूजी डाल देंगे, सॉल्ट डाल देंगे, बेकिंग पाउडर एंड सोडा बाइकार्बोनेट। तो अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। छन्नी में डाल देंगे और इसे छान लेंगे। सारी चीजों को मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर मैं ये कुकिंग ऑयल डाल दूंगी और योगर्ट डाल दूंगी और अब हाथों से अच्छी तरह इसको मिक्स कर लूंगी। अब हम इसको हाथों में इस तरह से रब कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसकी डो बना लेंगे। था ऑयल में लगा लगा के हाथों पर इसको गूंद लूंगी। देखिए मैंने इसको अच्छे से अभी स्मूथ करके गूंद लिया है। अब इसको मैं एक ग्रीस पैन में रख लूंगी और इसके ऊपर एक गीला दस्तरखान ढक दूंगी और इसको 1 घंटे के लिए किसी वार्म जगह पर रख दूंगी। 1 आवर जो है ये इस तरह से हो गया। अब मैं इसके छोटे छोटे पेड़े बना लूंगी। बाकी सारे पेड़े भी मैं इसी तरह बना के रख लूंगी। एक पेड़े पे हम थोड़ा सा कुशका लगा लेंगे और इसे इस तरह से हाथों से चवा बना लेंगे। अब इसको हम बेल लेंगे। देखिए बाकी के भी इसी तरह मैं बेल के रख लूंगी। अब हम ऑयल को गर्म करके उसके अंदर ये आहिस्ता से ड्रॉप कर देंगे। इसको नीचे की तरफ थोड़ा थोड़ा दबाएंगे हम। इससे क्या होगा, इसके प्रेशर से ये फूल जाएगा। दूसरी तरफ से भी थोड़ा सा पलट के पका लेंगे। और फिर हम इसको इसमें से निचोड़कर प्लेट में रख लेंगे। बाकी सारे भी इसी तरह बना लेंगे। चना बनाने के लिए आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। 1/2 kg बॉइल्ड चिकपीस, 1/4 कप कुकिंग ऑयल, 1 medium size अनियन, 1 कप योगर्ट, 1 teaspoon चाट मसाला पाउडर, 1/2 teaspoon गरम मसाला पाउडर, 1 teaspoon क्यूमन सीड्स, 1/2 teaspoon सिनेमन स्टिक्स, 1/4 teaspoon जिंजर पाउडर, 1 teaspoon रेड चिल्ली पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, 1/2 teaspoon कोरिएंडर पाउडर, 1/4 teaspoon टर्मरिक पाउडर, 5 red green chilies, 3 green chilies, 2 tablespoon फ्रेश चॉप कोरिएंडर। गर्म करके इसके अंदर हम ये प्याज डाल देंगे और इसको लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। बाद अब इसके अंदर हम ये योगर्ट डाल देंगे। बाकी के सारे मसाले डाल देंगे। अब इसको मिक्स करके फ्राई करेंगे।
मसाले को अच्छे से भूनने के बाद अब इसके अंदर ये बॉइल किए हुए चिक पीस डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। कर इसको 3-4 मिनट तक और कुक करेंगे। देखिए ये अब अच्छी तरह से जो है वो गर्म हो चुके हैं, अब मैं इसे डिश आउट कर लूंगी। नाज़रीन अब गरम गरम चना भटूरा मुकम्मल तौर पर तैयार हो गया है। आप इसको इसी तरह बनाकर पेश कीजिएगा, ये खाने में बेहद लजीज होता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्लीज़ लाइक माई वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।